हेलो एवरीवन, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग मॉलिक्यूलर इक्वेशन को आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में भी हम लोगों ने यही काम किया था कि हम लोग मॉलिक्यूलर इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे थे आयनिक इक्वेशन में। आज उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, एक मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिया जाए और उसको हम लोग कन्वर्ट करें आयनिक इक्वेशन में। ठीक है, तो चलिए, अपने सामने एक मॉलिक्यूलर इक्वेशन है, 2KMnO4 प्लस 8FeSO4 प्लस 8H2SO4 gives K2SO4 plus 2MnSO4 plus 5Fe2SO4 का whole thrice plus 8H2O। ये एक मॉलिक्यूलर इक्वेशन है जिसको हमको कन्वर्ट करना है आयनिक इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो रूल है वो आपको मालूम है, MnO2 नहीं टूटेगा, पानी नहीं टूटेगा, जो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा टूटेगा, जो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा वो डिसोसिएट नहीं होगा यानी टूटेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोगों को इसको डिसोसिएट करना है। सबसे पहले हम आपको इंडिविजुअल डिसोसिएट करके दिखा देते हैं, फिर उसके बाद से एक साथ लिखेंगे, डिसोसिएट करेंगे, फिर देखते हैं कौन कौन से आयन्स अपने बच जा रहे हैं। ठीक है, तो KMnO4 अगर आप इसको तोड़िएगा, अभी 2 को छोड़ दीजिए, KMnO4 अगर आप इसको डिसोसिएट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, K+ और MnO4-, K+ MnO4-। FeSO4 को डिसोसिएट करिएगा, अगर आप FeSO4 को डिसोसिएट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, Fe2+ और SO4-। ऑलराइट, देखिए Fe अलग हो गया, SO4 अलग हो गया, हम नीचे वाले में बात कर रहे हैं, Fe अलग हो गया और SO4 अलग हो गया, तो Fe की वैलेंसी 2, SO4 की 2, तो Fe2+ SO4-। इधर रहिए H2SO4, जैसे आपको अभी इसको हम लिख के दिखा रहे हैं कि ऐसे जब आगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिए रहेंगे तो उसको कैसे डिसोसिएट करते हैं, जैसे 8H2SO4 है, 8H2SO4, तो इस 2 का 8 में मल्टीप्लाई करिए, तो 8 2 16H+, 16SO4 के नीचे यहां 1 लिख सकते हैं, ये 1 किसकी वैलेंसी है, H की, SO4 की वैलेंसी है, SO4 की वैलेंसी H के पास है यानी 2। अब चलिए SO4 पे ये, तो SO4 के नीचे क्या है, 1 1 8 जा 8 8, SO4 वैलेंसी कितनी, 2-, SO4 2-। ठीक है, एक और देखिए, K2SO4 K2SO4 कैसे टूटेगा, तो 2K+ इसके आगे क्या है, 1 है, तो 2K+ प्लस SO4 पे 2-, SO4 पे 2-। ऑलराइट, इधर देखिए 2MnSO4, तो क्या कहेंगे, Mn दोनों के आगे 2-2 है तभी तो कैंसिल हुआ था, 2MnSO4 डिसोसिएट कीजिएगा क्या बनेगा, 2Mn2+ और SO4 2-, 2Mn2+ और SO4 2-। ऐसे ही हम लोग मॉलिक्यूलर इक्वेशन को तोड़ेंगे आयनिक में और अलग अलग बार में तोड़ करके देखेंगे। अगला देखिए 5Fe2SO4 का होल थ्राइस, 5Fe2SO4 का होल थ्राइस, तो चलिए एक बार और, 5 2 10 और Fe की वैलेंसी 3+, तो 10Fe3+। आगे बढ़िए, ये कितना है, 5 3 15SO4 और उसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो 15SO4 2-। ठीक है, H2O ने डिसोसिएट करते हैं तो ये वैसे ही रह जाएगा, H2O वाला वैसे ही रह जाएगा। अब चलिए हम इन सभी को एक साथ लिखते हैं, जो कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे, फिर देखते हैं कि इस मॉलिक्यूलर इक्वेशन में कौन कौन से आयनिक आयंस बच रहे हैं। ठीक है, चलिए अपने पास मॉलिक्यूल क्या था, MnSO4 का था, FeSO4 का मॉलिक्यूल था, ठीक है, और क्या था, H2SO4 का मॉलिक्यूल था। ठीक, तो चलिए तोड़िए, 2KMnO4 ये टूट जाएगा दो पार्ट में, K+ अलग हो गया, MnO4- हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2K+ प्लस MnO4- प्लस MnO4-। इधर आइए 10FeSO4, तो ये कितना हो गया, SO4 की वैलेंसी 2 हो गई, Fe की भी क्या हो गई, 2 हो गई, तो 10Fe2+ प्लस 10SO4 2-। आगे बढ़िए प्लस 8 2 16, तो 16H+ प्लस 8SO4 2-, 8SO4 2-।
ठीक है, गिव्स क्या दे रहा है, के का दो है, दो के है, तो टू के प्लस प्लस एसओ फोर टू माइनस, प्लस क्या दे रहा है, दो एम एन है, तो टू एम एन टू प्लस प्लस टू एसओ फोर टू माइनस, टू एसओ फोर टू माइनस, इधर आइए, फाइव टू जा टेन एफ ई है, तो टेन एफ ई टू प्लस फाइव टू जा टेन, टेन एफ ई टू प्लस प्लस फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फिफ्टीन नीचे लिख रहे हैं, फाइव थ्री जा फिफ्टीन एसओ फोर, फाइव थ्री जा फिफ्टीन एसओ फोर टू माइनस, सॉरी एफ ई का थ्री है ना, तो फाइव टू जा टेन एफ ई थ्री प्लस टेन एफ ई थ्री प्लस प्लस फिफ्टीन एसओ फोर टू माइनस प्लस एट एच टू। जब भी आप किसी मॉलिक्यूल को आयन में तोड़िए तो ये जरूर चेक कर लीजिए कि टोटल उस मॉलिक्यूल से जो आयन जनरेट हुए उनमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। जैसे देखिए ये था 2MnO4, तो 2 का मल्टीप्लाई किए में 2 का मल्टीप्लाई MnO4 में, तो 2 बन जा 2, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव न्यूट्रल, 10 2 जा 20 पॉजिटिव, 10 2 जा 20 नेगेटिव FeSO4 न्यूट्रल, H2SO4 था तो 16 पॉजिटिव, 8 2 जा 16 माइनस न्यूट्रल, 2K plus SO4 2 minus, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव न्यूट्रल, 2Mn2 plus, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव न्यूट्रल, 10 3 जा 30 पॉजिटिव और 15 2 जा 30 नेगेटिव। ठीक है, ये जरूर चेक कर लीजिए ताकि आपको पहले स्टेप में पता चल जाए कहीं आपने कुछ गलती तो नहीं किया होगा। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लीजिए, देखिए 2k प्लस से 2k प्लस कैंसिल हुआ, एफ ई टू प्लस उधर है, इधर एफ ई थ्री प्लस नहीं कैंसिल होगा, 10 एसओ फोर है और प्लस 18 एसओ फोर है, इधर 15 16 टू 18 एसओ फोर, तो 10, 8 और कुछ कैंसिल नहीं कर रहे। अब जो बचा है उसको नोट कर लीजिए, क्या बचा है, 2MnO4 माइनस, 2MnO4 माइनस प्लस 10 Fe2 प्लस प्लस 16 H प्लस गिव्स 2Mn2 प्लस प्लस 10 Fe3 प्लस प्लस 8 H2। तो ये था हमारे पास एक मॉलिक्यूलर इक्वेशन, जिस मॉलिक्यूलर इक्वेशन को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया एक आयनिक इक्वेशन। ठीक है, इस मॉलिक्यूलर इक्वेशन को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया एक आयनिक इक्वेशन में। हम साइड हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी कीजिए। एक छोटा सा इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, जिसको आपको तोड़ना है, देखिए टूट रहा है कि नहीं, ऐसे ही डिसोसिएट करने के लिए एक और इक्वेशन देख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या है, 2Na plus Cl2 या Zn plus H2SO4, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2, पहला ये, दूसरा ले लीजिए Na प्लस सी एल टू गिव्स टू एन ए सी एल। ठीक है, आइए दोनों को एसोसिएट करते हैं, पहला जेड एन प्लस एच टू एसओ फोर, जेड एन प्लस इसी से लिख रहे हैं यहां से एच टू एसओ फोर, तो ये तो भाई मॉलिक्यूल, ये तो सिंगल एटम था, वो तो टूटेगा नहीं। ठीक है, नोट कर लेते हैं, चलिए जेड एन प्लस एच टू एसओ फोर गिव्स जेड एन एसओ फोर प्लस एच टू, ये तो सिंगल एटम था वो तो टूटेगा नहीं, तो ये हो गया Zn, H2SO4 को तोड़िए तो क्या हो गया 2H plus, H का कितना है 1 है, तो 2H plus और SO4 कितना है 2 है, तो SO4 2 minus, देखिए दो पॉजिटिव दो नेगेटिव न्यूट्रल, Zn SO4 में दोनों का दो दो हो गया, तो Zn 2 plus SO4 2 minus, डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं तोड़ते हैं, SO4 से SO4 कैंसिल, तो Zn gives Zn2 plus oxidation और 2H plus gives H2 reduction। ठीक है, मिलाकर लिखते हैं क्या हो जाएगा, redox, redox अगर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, Zn
plus 2H plus Zn plus 2H plus gives Zn 2 plus plus H2. This is the redox reaction. Redox reaction. ठीक है, इस मॉलिक्यूलर इक्वेशन का यही आयनिक रिडॉक्स रिएक्शन है। ऑलराइट, चलिए दूसरा देखते हैं। Na plus Cl2 gives 2NaCl. Na plus Cl2 gives 2NaCl. ये तो लिखा हुआ है नीचे ही है। तो Na plus Cl2 2NaCl तोड़ लीजिए, ये तो मॉलिक्यूल था, सिंगल एटम और मॉलिक्यूल वो नहीं टूटेगा। 2NaCl तो 2Na plus plus 2Cl minus। ठीक है, तो Na से Na plus, this is called oxidation. Cl2 से 2Cl minus, this is called reduction. ठीक है, तो ऐसे ही हम किसी भी मॉलिक्यूलर इक्वेशन को आयनिक इक्वेशन में तोड़ेंगे और उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस पार्ट में आपको इतना ही मिलेगा। अगले पार्ट में इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं या कैसे हम आयनिक इक्वेशन को मॉलिक्यूलर इक्वेशन में फिर से कन्वर्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।